दिल्ली के कस्तूरबा नगर में महिला के साथ हुई बर्बरता पर अब कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने में लग गई है। हमारे पास दिल्ली कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट हैं जयकिशन जी। सर, जो घटना हुई बेहद शर्मनाक है, कांग्रेस किस नज़रिए से इसको देख रही है, क्या कुछ अब कांग्रेस कह रही है? भाई, सरकार की जो नुर्रा कुश्ती है, सरकार की जो बाधीगिरी दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है, उसको फेकूराम कहा जाए इसको, केजरीवाल को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज शराब माफिया की जहां बात है, शराब की दुकान 362 दिन खुलेंगी देश में, दिल्ली में, और जो सरकारी स्कूल और सरकारी दफ्तर नहीं खुलेंगे, इसकी गारंटी ना दे करके आज जो कस्तूरबा नगर में महिला के साथ जो अपराध हुआ, जो घिनौनी हरकत हुई है, उसके जिम्मेवार आम पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली पुलिस और भारत सरकार है। कांग्रेस इस बात को लेकर के चुनावी मुद्दा भी बनाएगी और अरविंद केजरीवाल से चुनाव में इस सवाल को पूछेगी और उस महिला के घर पर जाकर के कांग्रेस उसकी पूरी जानकारी तथ्य इकट्ठे करके और उसके खिलाफ आंदोलन में उसको शामिल करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हों, लगातार शराब माफिया को लेकर के कहते थे कि नई नीति से शराब माफिया खत्म होगा। क्या लगता है कि आज खुद जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या लगता है कि शराब माफिया जो है वो दिल्ली में बहुत तेजी से एक्टिव है? एक टाइम पर तो अरविंद केजरीवाल ने 8 साल पहले ये कहा था कि शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगा, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने दूंगा, और आज शराब माफियाओं का ये ठेकेदार बन गया है। शराब माफियाओं की वकालत करते हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बेअनुभवी लोग हैं, इन्होंने दिल्ली को कुचलने की कसम खा रखी है, दिल्ली को उजाड़ने की कसम खा रखी है, बेरोजगारी को लेकर के, शराब माफियाओं को लेकर के, और जो महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है और बलात्कार और अपराध हो रहे हैं उसमें हद पार कर दी है। अरविंद केजरीवाल जो चुप्पी लगाए हुए उत्तराखंड में, पंजाब में जाकर के चुनाव में और गोवा में मस्त हैं, इसका आम पार्टी के लोगों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और कांग्रेस इसको जोर शोर से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और चुनावी मुद्दा बनाएगी। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माफिया जिस तरीके से एक्टिव है, कौन जिम्मेदार है इसके? पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। जब किसी चीज़ का इशारा मिलता है, किसी चीज़ को बढ़ावा मिलता है सरकारी तौर पर, तो फिर उसका जो दूसरे तत्व हैं वो उसका ज़्यादा फायदा उठाते हैं। आम पार्टी के कार्यकर्ता भी शराब माफियों के साथ मौज मार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी शराब माफियों के साथ मौज मार रहे हैं। इसी तौर पर जयकिशन शर्मा, दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से शराब नीति दिल्ली में लागू हुई उसी का असर है कि दिल्ली में शराब माफिया जो है वो हावी है और इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, और कांग्रेस अब उस परिवार से मुलाकात करेगी, उनसे बातचीत करेगी और आगे इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली नगर निगम चुनावों में इसको मुद्दा भी बनाएगी। कैमरा पर्सन अनूप प्रजापति के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।